कंपनी यहाँ इस आईटी के अंतर्गत ये प्रूफ करेगी कि जब कोई भी फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है, जब कोई भी फ्लूइड बहता है तो उसके बहने में तीन फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है। नंबर एक ट्रांसलेशन, कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट हो गया, विस्थापित हो गया। नंबर दो रोटेशन, उसमें रोटेशनल कंपोनेंट होता है। और नंबर तीन डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन द सेंस जो आप थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में पढ़ते थे, प्रत्यास्थान हुक्स लॉ पढ़ते थे ना, ऐसा कुछ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रत्यास्था किसी भी पदार्थ का वो गुण है जिसके अंतर्गत वो अपनी उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है। तो जो फ्लूइड है उसमें कुछ डिफॉर्मिंग चेंजेस भी होते हैं। हम ये प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि जनरल मोशन ऑफ द फ्लूइड इन्वॉल्व थ्री फिनोमेना, नंबर वन ट्रांसलेशन, नंबर दो रोटेशन और नंबर थ्री डिफॉर्मेशन। सपोज कीजिए आपने फ्लूइड का भी एक रीजन एज्यूम किया और किसी भी इंस्टेंट आपने कोई एक पार्टिकल लिया ऑरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। अगर पोजीशन वेक्टर आर है तो पी पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट भी होंगे। सपोज कीजिए पॉइंट पी पर वेलोसिटी कंपोनेंट यूवी डब्ल्यू है। यूवी डब्ल्यू कहने का अर्थ होगा कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू की है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी क्यू इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू की, और स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो यू वी डब्ल्यू आर की कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ये फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुआ और विस्थापित होकर इसी पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट आ गया, सपोज कीजिए पी डैश। वेलोसिटी कंपोनेंट बढ़कर हो गए से यू वन वी वन और डब्ल्यू वन। टाइम टी पर जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यू वी डब्ल्यू थे, टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यू वन वी वन और डब्ल्यू वन। पॉइंट एक ये अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट को हम 10 बजे भी काउंट कर रहे हैं और 10 बजकर 2 मिनट पर भी काउंट कर रहे हैं। 10 बजे अगर वेलोसिटी कंपोनेंट यू वी डब्ल्यू है तो सपोज कीजिए 10 बजकर 2 मिनट पर सेम पॉइंट के वेलोसिटी कंपोनेंट यू वन वी वन और डब्ल्यू वन है। हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि यू वन वी वन डब्ल्यू वन यू वी डब्ल्यू के टर्म में क्या होगा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और पी डैश है, सब बढ़ जाएंगे। एक्स में भी गलती हो गई होगी कोऑर्डिनेट में, वाई में भी, जेड में भी। सपोज कीजिए पी डैश के पॉइंट, पी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। द मोशन ऑफ फ्लूइड and choose any arbitrary point P of the fluid at time T. If U V W are the components of velocity, अगर U V W P point पर velocity की component पॉइंट की कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, तो वेलोसिटी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी, वी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा और डब्ल्यू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। यू इज अ फंक्शन, पहला फंक्शन मान लिया एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड, वी कोई दूसरा फंक्शन है, डब्ल्यू कोई तीसरा फंक्शन, एफ वन एफ टू एफ। ये हम जानते हैं कि वेलोसिटी उस पॉइंट पर जो पोजीशन है उनका फंक्शन है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूंगा कि पी डैश पर क्या वेलोसिटी है, तो पी डैश पर वेलोसिटी कंपोनेंट किस किस के फंक्शन होंगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। इफ पी डैश जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द पोजीशन ऑफ सेम पार्टिकल एट इंस्टेंट पी प्लस डेल्टा टी, देन उसी
पॉइंट की पोजीशन सपोज कीजिए, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश है, अगर t प्लस डेल्टा t टाइप पर, तो x डैश x प्लस dx हुआ होगा ना, यूं ही y डैश वो भी y प्लस डेल्टा पर, और z डैश वो भी z प्लस डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z को लिखने में ज्यादा समय लग रहा है, मैं टिपिकल x y z लिखता हूं। मतलब टिपिकल x हमने लिखा है डेल्टा x को, टिपिकल y हमने लिखा है डेल्टा y को, टिपिकल z हमने लिखा है डेल्टा z को। देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t डैश आर गिवन बाय u1 किसका फंक्शन होगा, x डैश y डैश z डैश का, और u1 तो f1 है ना, पहला फंक्शन, मतलब वेलोसिटी u को पहला फंक्शन मान रहा है, वेलोसिटी v को दूसरा फंक्शन मान रहा है, वेलोसिटी w को तीसरा फंक्शन मान रहा है। तो पॉइंट p पर u1 कितना आएगा, पहला फंक्शन किसका, x डैश का, y डैश का और z डैश, दैट इज f1, x dash means x plus capital X, y plus capital Y, z plus capital Z. You mean अगर b1 निकाले तो f2 of x plus X, y plus Y, z plus Z. W1 is equal to f3, x plus capital X, y plus capital y, z plus capital z. Taylor's expression पढ़ा है? क्या होता है Taylor's? आपने एक derivative पढ़ा होगा। fx plus h is equal to fx plus h f dash x plus h square factorial 2 f double dash x plus h cube factorial 3 f double dash x, and ये आपने पढ़ा। दो वेरिएबल में पढ़ा है क्या? अगर दो वेरिएबल का हो तो x में h की वृद्धि हो रही है, y में k, तभी आएगा f of x y plus x में हुई थी h की वृद्धि और y में हुई थी k, h del by del x plus k del by del y f of x y, that is अगला टर्म आएगा तो इसको कैपिटल B कहेंगे। तो b स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 दैट इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h tan by tan x plus k tan by tan y का होल स्क्वायर, ये यूं ही अगर इसको और जनरलाइज करो दो का नहीं बल्कि ये 10 वेरिएबल का भी रहा होता, y plus k z plus x, अगर 10 वेरिएबल का भी रहा होता तो ये देखिए इसमें क्या चेंज आ रहा है, x में h जो भी होना एच कैन बाई टेन एक्स प्लस ई कैन बाई टेन वाई प्लस एन कैन बाई टेन फंक्शन यूनियन। जहां x में चेंज हुआ है कैपिटल x का या कैपिटल x में चेंज हुआ है स्मॉल x का, स्मॉल x चेंज है, कैपिटल x का चेंज है डेल्टा x का आया, सो कैपिटल x विल बी ट्रीटेड एज h, कैपिटल y विल बी ट्रीटेड एज k एंड दिस विल एक्सपेंड u1 इज इक्वल टू f1 ऑफ x y z प्लस कैपिटल x tan by tan x, कैपिटल y tan by tan y, कैपिटल z tan by del z ऑफ f1। अगला टर्म क्या आने वाला है, अगर लिखना चाहें तो 1 by इस पूरे ऑपरेटर का स्क्वायर, कैशेस कहाँ चले गए समझ पा रहे हो आप, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो जब स्क्वायर करते हो उसके तीन चार टर्म अलग अलग करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे डेरिवेटिव्स के बाद हो गए, आगे के टर्म्स को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं, नेगलेक्ट अदर
क्योंकि आगे के टर्म जो आएंगे वो आएंगे सेकंड ऑर्डर के, स्क्वायर करोगे तो सेकंड ऑर्डर के ही आएंगे ना। इतना छोटा है कैपिटल एक्स वाई जेड, इतने छोटे हैं कि जब कैपिटल एक्स वाई जेड का स्क्वायर कर रहे हो या क्यूब कर रहे हो तो सारे के सारे का नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या था, यही तो यू था, एक्स वाई जेड का That is u1 is equal to u plus capital X del by del X plus capital Y del by del Y plus capital Z del by del Z. Therefore, u1 minus u is equal to X del u by del X plus Y del u by del Y plus capital Z del u. V1 minus V, जैसे ये U1 minus U आ गया, ऐसे U1 minus V आ जाएगा और U replace हो जाएगा V से, capital X tan V by tan X plus capital Y tan V by tan Y plus capital Z tan V by tan Y। W1 minus W capital X tan W by tan Y capital Y tan W by tan Y capital Z tan W by tan Y। स्पिन वेक्टर क्या था, स्पिन वेक्टर ओमेगा इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ करंट ओमेगा मींस साई आई प्लस थीटा जे प्लस थीटा टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ करंट क्यू मींस आई जे ए टेन बाय टेन एक्स टेन बाय टेन वाई टेन बाय टेन जेड ऑफ यू बी का करंट डेल क्रॉस क्यू होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो यू बी का है। तो अगर दोनों तरफ से कंपेयर करें तो जाई क्या जीटा की वैल्यू भी मिल गई ना, जाई कितना आया हाफ ऑफ टेन डब्ल्यू बाई टेन वन माइनस टेन डी बाई टेन वन थीटा इज हाफ ऑफ टेन यू बाई टेन जेड माइनस टेन डब्ल्यू बाई टेन वन। उनका आता है इक्वल इक्वल एक में माइनस साइन भी आता है एंड सीटा मींस हाफ ऑफ टेन ई बाई टेन माइनस टेन यू बाई टेन डिफाइन ए इज इक्वल टू यू का एक्स के रेस्पेक्ट में लिख लेंगे, बी बी का वाई के रेस्पेक्ट में लिख लेंगे, सी डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, एफ तीन डायरेक्शन है हमारे पास एक्स वाई जेड, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है हमारे पास यू डब्ल्यू, ऐसे था ना। जब हमने ये निकाला तो डेल यू बाई डेल एक्स सीधा सीधा बी का वाई के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू का जेड। अब तीन और हम तीन नए टर्म डिफाइन कर रहे हैं, ये कहां से आते हैं हम बताएंगे, पहले समझ लो। पहले बच्चे अब कौन बच्चे बी का जेड के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, V का Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल और W का Y के रेस्पेक्ट में और उसका एवरेज, क्योंकि बाकी सारे जब एक 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 टर्म लेके चल रहे हो और दो को जोड़ दो या तो सिंगल टर्म तो तब आएगा, जो दोनों को जोड़ के आधा कर दो दैट इज हाफ ऑफ कौन कौन tan V by tan Y प्लस tan W by उठा लिख गए ना tan V by tan Z प्लस tan W by ऐसे जी। अब बीच वाला जो डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में यू का जेड के रेस्पेक्ट में हाफ ऑफ डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस यू का जेड के रेस्पेक्ट में एच हाफ ऑफ लास्ट वाला छोड़ बी का एक्स के रेस्पेक्ट में
u का होगा। देखिए जब हम इसके फेस पर एक फोर्स लगाएंगे, ये जो इसका ये वाली लाइन है जो आपको दिख रही है, क्या इसमें परिवर्तन नहीं? मैंने फोर्स यू लगाई है ऐसे, तो ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही थी जो इसका बॉर्डर था वो आपकी तरफ को झुक गई। इनके बीच में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शियर। अब यही तो तभी भी आ सकता है जब आप किसी फोर्स को यू लगाए, मीन्स यही जो विकृति उत्पन्न हो रही है वो एक्स दिशा में फोर्स लगाने पर भी हो सकती है, वाई दिशा में फोर्स लगाने पर भी हो सकती है, और जेड दिशा में भी फोर्स लगाने पर भी हो सकती है। दैट इज ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट विल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसे एक्स दिशा में आपने फोर्स लगाई और एक्स दिशा में कितना परिवर्तन हुआ, सेम दिशा में फोर्स भी आपने एक्स दिशा में लगाई और उसी दिशा में कितना परिवर्तन हुआ, दैट इज कॉल्ड शियरिंग, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेन। और बल तो लगाया आपने एक्स दिशा में और परिवर्तन ढूंढने बैठ गए वाई और जेड दिशा में, दैट इज कॉल्ड शियर। नॉर्मल वो जब जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में परिवर्तन होंगे, और शियर वो जब आप फोर्स एक दिशा में लगाए और परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आप परिवर्तन देखें। यहां क्या हो रहा था, यू एक्स दिशा में तो वेलोसिटी थी, जिस दिशा में आपने फोर्स लगाई है उसी दिशा में परिवर्तन देख रहे हो, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वी का वाई के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, और यहां बी का जेड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन और डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में, ये तीन कहलाती है शियरिंग स्ट्रेन और ये तीन कहलाती है नॉर्मल स्ट्रेन। ये स्ट्रेन कंपोनेंट है एक्चुअली में जो विकृति को निरूपित करते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट में कितना डिफॉर्मेशन। क्या कैल्क्यूलेटर एक्स का मान है हमारे पास, बिल्कुल कितना क्या डेल्यू बाई डेल जेड का मान है हमारे पास, सॉरी डेल्यू बाई डेल वाई का ना, बीसी में से पूछना है, बीसी में से ना है कुछ, कहां मिल रहा है डेल्यू बाई डेल वाई जाकर, किसके साथ, डेल्वी डेल एक्स के साथ। हमने क्या किया सेकंड टर्म में, दो से गुणा बांट दिया, अब ये हो गया टू डेल्यू बाई डेल वाई, अंदर दो से गुणा भाग किया तो अंदर टू डेल्यू बाई डेल वाई हो गया ना, एक डेल्यू बाई डेल वाई में डेल्वी डेल एक्स जोड़ दिया और एक डेल्यू डेल वाई में डेल्वी डेल एक्स घटा दिया। लिख सकता हूं ऐसा, डेल्वी डेल एक्स से डेल्वी डेल एक्स का क्या आएगा, टू डेल्यू बाई डेल वाई आया, टू डेल्यू बाई डेल वाई में तू भी कर दिया, लिख सकते हैं ना ऐसा। इससे फायदा क्या हुआ, इसका मान तो निकल आया यहां से 2h और इसका मान निकल आया यहां से, है ये क्या माइनस साइन गड़बड़ है, बाद में एक्चुअली हमने भी माइनस साइन लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर दी, यही काम तीसरे टर्म के साथ, तीसरे टर्म में डेल्यू बाई डेल जेड एबीसी में से कुछ नहीं आ रहा तो यहां भी यही काम करिए, दो से गुणा हुआ किया, एक डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड में तो हमने क्या जोड़ा क्या घटाया, यहां से कहूंगा डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड के साथ ये डेल्यू बाई डेल्यू बाई डेल जेड के साथ कौन कम आ रही है, डेल डब्ल्यू डेल डेल डब्ल्यू डेल एक्स, एक बार डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स जोड़ दिया और दूसरे डेल्यू बाई डेल जेड में से डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स एक्स प्लस वाई बाई प्लस जेड बाई Tell you guys that minus tell w galaxy 2g minus tell you guys that minus tell w galaxy 2g plus 2 आ रहा है।
u1 माइनस u इज इक्वल टू ax प्लस hy प्लस gz। That is Q1 is equal to
यू प्लस ओमेगा क्रॉस बी आर प्लस बी ये इतनी देर का डिस्कशन हमें ये सिखाता है कि अगर हमें P पॉइंट पर वेलोसिटी Q पता है तो P डैश पॉइंट पर वेलोसिटी Q1 सीधी सीधी x y z में परिवर्तन नहीं हो रहा है बल्कि तीन कंपोनेंट जुड़कर मिल रहे हैं पहला कंपोनेंट Q दूसरा कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस बी आर और तीसरा कंपोनेंट कैपिटल V ये पहला रिप्रेजेंट करता है ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन से मतलब समझते हो हम यहाँ खड़े हैं यहाँ से सरक के यहाँ आ गए अगर सरक कर आप एक दिशा में आगे बढ़ोगे तो केवल एक्स वाई जेड भी तो चेंज हुआ जो कोऑर्डिनेट पहले तीन था वो कोऑर्डिनेट तीन प्लस पांच हो गया जो कोऑर्डिनेट पहले पांच था वो पांच प्लस पांच हो गया जो कोऑर्डिनेट छह था वो छह प्लस पांच हो गया दैट इज कोऑर्डिनेट में निश्चित क्रम जुड़ना ट्रांसलेशन को निरूपित करता है तो यहां दूसरा कंपोनेंट ये बता रहा है कि फ्लूइड मोशन में रोटेशनल भी होता है और तीसरा कंपोनेंट ये बता रहा है कि फ्लूइड मोशन में डिफॉर्मेशन भी होता है That is, जब कभी भी फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह बहता है उसमें तीन मोशन एक साथ घटित होते हैं पहला ट्रांसलेशन दूसरा रोटेशन और तीसरा डिफॉर्मेशन पहला कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसलेशन को दूसरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशन को और तीसरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है डिफॉर्मेशन